नमस्कार मेरे भारतीय परिवार, कुछ दिनों से करीब पुलिस सॉन्ग के कारण आप लोगों में से कई सारे लोग मुझसे नाराज हुए और बहुत सारे लोग मुझसे गुस्से हो गए और YouTube पर मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में उसके बारे में सारी सच्चाई साफ साफ स्पष्ट के रूप में बताना चाहता हूँ। तीन टॉपिक्स है जिनके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। पहला टॉपिक है, पिछले वाले अपोलोजी वीडियो में मैंने झूठ क्यों बोला और उस वीडियो को डिलीट क्यों किया। दूसरा टॉपिक है, करीब पुलिस वो वीडियो बनाने के लिए मैंने एग्जैक्टली क्या क्या किया, एक्चुअली मैंने क्या क्या किया और मैंने क्यों किया। तीसरा टॉपिक है, मैं भारतीय लोगों के लिए YouTube क्यों करता हूँ, भारत में YouTube क्यों करता हूँ, क्या मैं सचमुच पैसा कमाने के लिए करता हूँ या कुछ और वजह है ये करने की। और हर महीने में ये YouTube चैनल करने पर चलाने पर मुझे कितना पैसा आता है ये बात बताना चाहता हूँ। तो पहला टॉपिक है, पिछले वाले अपोलोजी वीडियो में मैंने झूठ क्यों बोला। देखिए, करीब पुलिस वो वीडियो अपलोड किया जाने के बाद तुरंत मुझे मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आने लगे और मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगा। मुझे मतलब पता नहीं चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि उस हालात में मुझे क्या करना होगा, क्या बोलना सही है। और उस मुसीबत का सामना करने के लिए मुझ में बी ऑनेस्ट पर्याप्त हिम्मत नहीं थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डरपोक हूँ तो इसलिए उस मुसीबत का सामना नहीं करना चाहा, सिर्फ उस मुसीबत से भाग जाने की कोशिश करने के लिए मैंने झूठ बोला था उस वीडियो में। यह सच्चाई है, सच्ची बात है और मैं मानता हूँ कि झूठ कहना, झूठ बोलना बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। तो मैं उसके लिए सचमुच विचार करता हूँ गहराई से और दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ आपको। और मैंने इसलिए उस वीडियो को डिलीट किया था क्योंकि पिछले वाला जो अपोलोजी वीडियो था ना, वो अपलोड किया जाने के बाद लोगों को आसानी से मालूम हुआ और पता चला था कि को है झूठ कह रहा है। मुझे और भी ज़्यादा हेट मिलने लगा था तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और भाग जाने के लिए मैंने उस वीडियो को डिलीट किया था। और ये सब मेरी कमजोरी के कारण हुआ है। मैं दिल से मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था और मेरी कमजोरी के कारण और उस वीडियो को डिलीट भी किया। तो उसके लिए मैंने बहुत गहराई से विचार किया है और मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ आपको धोखा देने के लिए, दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। और दूसरा टॉपिक है, करीब पुलिस वो गाना और वीडियो बनाने के लिए मैंने एग्जैक्टली क्या क्या किया, एक्चुअली क्या क्या किया और मैंने क्यों किया वो सब, ठीक है, वो बताना चाहता हूँ। लेकिन ये बताने से पहले आप ये बात तो ज़रूर जान लीजिए और समझ लीजिए, जिस ग्रुप ने वो गाना उत्पन्न किया और मैं भी, हम लोगों ने इसलिए वो करीब पुलिस नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग भारत की संस्कृति को और लोगों को इंसल्ट करना चाहते थे, इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन है। उन लोगों ने इसलिए करीब पुलिस बनाया और मैंने इसलिए उन लोगों की मदद की वो बनाने के लिए, क्योंकि हमें लगता था और हम लोग चाहते थे कि वो गाना और वीडियो भारत में रहने वाले भारतीय लोग उसे एक मनोरंजन के रूप में स्वीकार करें और उसे एंजॉय करें और वो देखकर भारतीय लोगों को अच्छा लगे, खुशी होगी
और भारतीय लोगों के चेहरे पर स्माइल, मुस्कान आ जाए, ये हमारी इच्छा थी। लेकिन मैंने मान लिया है, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अज्ञानी था। 8 सालों तक मैं भारत में रहा हूँ, तो मतलब मुझमें भारत में रहने का अनुभव है और वहाँ रहते हुए हिंदी भाषा भी सीख ली है, क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत आकर्षक लगती है और हिंदी भाषा से प्यार है। उसके बावजूद आज तक मैं भारत की संस्कृति के बारे में काफ़ी ज़्यादा अज्ञानी हूँ, मैं मानता हूँ। मेरे ज़्यादा अज्ञानी होने के कारण मैं नोटिस नहीं कर पाया था कि वो वीडियो इतना ज़्यादा बुरा माना जाने वाला वीडियो है। मैं सोच भी नहीं पाया था और मुझे मालूम ही नहीं था कि वो वीडियो भारत में जाकर काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट, बदमीज और इंसल्टिंग वीडियो के रूप में समझा जाएगा। मैंने मान लिया है कि मैं भारत के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, नहीं जानता हूँ, तो मेरे लिए भारत के बारे में सीखता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ताकि ऐसी गलती मैं दोबारा कभी रिपीट नहीं करूँगा। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने करी पुलिस बनाने के लिए एक्चुअली क्या क्या किया, मैंने एग्जैक्टली किन चीज़ों में, किन बातों में मदद की थी। सबसे पहली मदद मैंने की थी उस गाने के लिरिक्स को ट्रांसलेट, मतलब अनुवाद करने में मैंने मदद की थी। उन लोगों ने सबसे पहले करी पुलिस का लिरिक्स जापानीज भाषा में लिखा, बनाया, जैसा था जापानीज भाषा में वो लिरिक्स बिल्कुल वैसा ही हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए उन लोगों ने मुझसे निवेदन किया था। और ये बात भी आप ज़रूर जान लीजिए कि मैंने उस पूरे गाने के लिरिक्स को ट्रांसलेट नहीं किया था, उस लिरिक्स का 60% किसी और दूसरे आदमी के द्वारा अनुवाद किया गया हुआ था। तो मैंने लिरिक्स के 40%, आधे से कम मैंने अनुवाद किया था। और उन लोगों ने मुझे बताया था कि बाकी 60% यहाँ जापान में रहने वाले एक भारतीय आदमी ने अनुवाद किया था। और आपको लग रहा था कि उस गाने का पूरा लिरिक्स कोहे ने उत्पन्न किया होगा, कोहे ने बनाया होगा, लेकिन ये गलत इम्प्रेशन है। मैंने उस गाने के लिरिक्स के 40% मैंने अनुवाद किया था। और दूसरी मदद जो मैंने की थी, मैं उस वीडियो में भी आया था कुछ सेकंड्स के लिए, मैं दिख गया था ना उस वीडियो में। उस गाने के कुछ हिस्से गाए थे और कुछ एक दो डायलॉग पढ़े थे मैंने। और तीसरी मदद जो मैंने की थी, एक सिंगर अरेंज किया जिन्होंने भी वो गाना सुना था, उनको पता चला होगा कि वो गाना एक्चुअली एक भारतीय सिंगर के द्वारा गाया गया था जिनकी मातृभाषा हिंदी है। एक सिंगर है जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड मैं गाना गाते हैं, काम करते हैं, तो मैंने उनको करीब पुलिस का रिकॉर्डिंग करने के लिए अरेंज किया था। दिस इज ऑल व्हाट आई डिड फॉर करीब पुलिस, ये सब कुछ है जो मैंने करीब पुलिस बनाने के लिए किया था, और मैंने ये सब मुफ्त में किया था। उसके लिए, ये सब करने के लिए मैंने कुछ भी पैसा नहीं लिया। इसलिए किया था क्योंकि मैं अज्ञानी था और मुझे पता नहीं था, मालूम नहीं था कि ये वीडियो इंडिया में एक रेसिस्ट वीडियो के रूप में समझा जाएगा। और देखिए, वो लोग जापान में सबसे बड़े प्रसिद्ध और लोकप्रिय यूट्यूबर्स में से एक हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर आपके पास अचानक से किसी बहुत बड़े यूट्यूबर से साथ में वीडियो बनाने के लिए कुछ ऑफर आता है, तो आपको कैसा एहसास होगा? आप भी तो ज़रूर खुश हो जाएंगे ना? बिल्कुल वैसा ही मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था, और इसलिए मैंने ये सब किया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करके आपको बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने और मैंने भी
इसलिए तो कभी पुलिस नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग दूसरे देश की संस्कृति और लोगों को इंसल्ट करना चाहते थे। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन है, इसलिए तो बिल्कुल मतलब कभी नहीं बनाया वो वीडियो। हम लोगों ने इसलिए बनाया था क्योंकि हमने सोचा और हम लोग चाहते थे कि वो वीडियो देखकर भारतीय लोगों को अच्छा लगेगा, खुशी होगी, भारतीय लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाएगा वो वीडियो देखकर। सिर्फ यही इच्छा थी और इसीलिए मैंने उन लोगों की मदद की थी वो वीडियो बनाने में। लेकिन मैं बहुत ज्यादा अज्ञानी था भारत के बारे में और मेरे अज्ञानी होने के कारण वो वीडियो अपलोड किया जाने से पहले मैं नोटिस नहीं कर पाया था कि वो वीडियो इतना ज्यादा बदमीज है, रेसिस्ट है और इंसल्टिंग है, इतना ज्यादा बुरा है भारतीय लोगों के लिए। बहुत ज्यादा अज्ञानी था मैं, इसलिए नोटिस नहीं कर पाया। उसके लिए मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी। और मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, आप भी तो ये बात सोच लीजिएगा। मेरे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया में और जिनको मैं अपना परिवार समझता हूँ, ठीक है। और मेरे इस चैनल को बढ़ाने के लिए मुझे पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है ना। और आप ध्यान से सोच लीजिए, क्या आपको सचमुच लग रहा है कि मैं भारत को, इंडिया को इंसल्ट करके अपने आप खुद के इमेज को बुरा करने के लिए जानबूझकर ऐसा करूंगा? ऐसा सचमुच लग रहा है आपको? जानबूझकर नहीं किया, यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं मानता हूं यह मेरी गलती थी और ऐसी गलती कभी नहीं रिपीट करूंगा, कभी नहीं करूंगा दोबारा। तो दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। और तीसरा टॉपिक है, मैं यूट्यूब चैनल भारतीय लोगों के लिए क्यों चलाता हूँ, भारत में यूट्यूब क्यों करता हूँ। मुझे मालूम है कि कई सारे लोगों को लगता होगा कि कोहे सिर्फ पैसा कमाने के लिए भारतीय लोगों के लिए यूट्यूब करता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत इंप्रेशन है। मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, यह सच्ची बात है कि इंडिया में यूट्यूब करने पर आप अमीर नहीं बन सकते हैं, आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। ये बात जानकर, ये बात सुनकर कुछ कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन इस वीडियो में सच्चाई, सच्ची बातें बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है, इसलिए मैं बताता हूँ, आप जानकर जाइएगा। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि यूट्यूब पर वीडियो को व्यूज मिलने पर पैसा दिया जाता है और उस पैसे को यूट्यूब के द्वारा दिया जाने वाला जो अमाउंट है ना, उस अमाउंट को रिवेन्यू कहता है, रिवेन्यू। और यूट्यूब एक्चुअली डिसाइड करता है हर एक देश के हिसाब से, एवरी कंट्री के लिए रेट दिया जाता है। और जान लीजिए, एक्चुअली इंडिया यूट्यूब पर सबसे कम रेट दिए जाने वाले देशों में से एक है। तो इसलिए हर एक व्यू के लिए जो रिवेन्यू दिया जाता है ना, उस रिवेन्यू में भारत में और जापान में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जो मैं जापान में रहने वाले जापानी लोगों के लिए चलाता हूँ। उस चैनल के सिर्फ 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स मतलब इस चैनल के तुलने में तो 20 गुना कम है ना, 20 गुना कम सब्सक्राइबर्स हैं उस चैनल पर। और उस चैनल पर ज्यादा मैं वीडियोस नहीं डालता हूँ, अपलोड नहीं करता हूँ। पिछले 5-6 महीनों से कुछ भी नया वीडियो नहीं अपलोड किया है मैंने उस चैनल पर। लेकिन उसके बावजूद हर महीने में जो रिवेन्यू अमाउंट पैसा दिया जाता है ना मुझे, यूट्यूब के द्वारा दिया जाने वाला जो पैसा है, ठीक है, वो जापानीज चैनल से बहुत ज्यादा आता है, पैसा मिलता है। मेरे अनुभव के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, जापान में जो रिवेन्यू दिया जाता है हर एक व्यू के लिए, वो भारत से 15-20 गुना ज्यादा है।
और मैं इसलिए तुलना करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं दोनों के लिए YouTube चैनल चलाता आया हूँ ना, तो मेरे अनुभव के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चैनल करने पर मुझे हर महीने में सिर्फ उतना पैसा आता है जितना यहाँ जापान में स्टूडेंट्स 5 दिन के लिए पार्ट टाइम जॉब करने पर आसानी से कमा सकते हैं। उतना कम पैसा मैं हर महीने में मुझे आता है यह चैनल करने पर। फिर भी मैं वो दूसरा चैनल है ना जो मैं जापानी लोगों के लिए चलाता हूँ, ठीक है, उस चैनल से ज्यादा 10 गुना मेहनत देते हुए यह चैनल चलाता आया हूँ। ये इसलिए है क्योंकि ये YouTube चैनल भारतीय लोगों के लिए चलाने पर, वीडियोस बनाने पर भारतीय लोगों से मुझे प्यार मिलता है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये चैनल चलाने पर। तो मतलब मैं पैसा कमाने के लिए तो ये चैनल बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत इम्प्रेशन है। और मेरे पास कई सारे तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, तो ये चैनल बिल्कुल भी पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब भारतीय लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे कंटेंट्स देखते हैं और उनको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस, और उनको मेरे वीडियोस देखकर खुशी होती है, वो लोग खुश होते हैं, मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं और उनके चेहरे पर स्माइल आता है। इसलिए भारतीय लोगों के लिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि भारतीय लोग और भी ज़्यादा अपने देश भारत से गर्व एहसास करें और अपने देश भारत की अच्छाइयां और भी ज्यादा नोटिस करें। इसलिए कर रहा हूं ये चैनल करने पर मुझे भारतीय लोगों से, आप लोगों से, मेरे भारतीय परिवार लोगों से बहुत प्यार मिलता है, सिर्फ यही मोटिवेशन है मेरे लिए। चलिए आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। इस बार मैंने इस पर बहुत गहराई से विचार किया है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मेरी गलती के कारण बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा, उन सब के लिए दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सो सॉरी। मेरे लिए मेरा ये ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि ऐसे लोगों के लिए जिनको मेरे वीडियोस पसंद हैं, है ना, उन लोगों के लिए नए वीडियोस बनाते रहना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है और मेरे लिए ये करना अनिवार्य है क्योंकि ये मेरा कार्य है जो मैं जिंदगी भर करना चाहता हूँ। ऐसे लोगों के लिए वीडियोस बनाने पर मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जिनको मेरे वीडियोस पसंद हैं। तो एक अच्छा समाचार है कि मैं दोबारा इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करना शुरू करने वाला हूँ। तो अगेन आई वुड लाइक टू से सॉरी, मैं फिर से सॉरी कहना चाहता हूँ दिल से। हम लोग अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। जय हिंद।